लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र की सियासत की, तो पीएम की पार्टी में शिवसेना के सांसद शामिल तो हुए, लेकिन इस बात की गारंटी अभी तक नहीं है कि शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने में बीजेपी के साथ देगी या नहीं। मोदी की चाय पार्टी के बाद बोलते हैं अनंत गीते, क्या वो कहते हैं हमारा पुराना रिश्ता है, पुराना संबंध है, लेकिन हर चीज पर उद्धव ठाकरे की ओर इशारा कर रहे थे। केंद्र में मंत्री पद नहीं छोड़ेगी शिवसेना, उफ, मोदी की चाय पार्टी के बाद अनंत गीते का बयान, ये खुद ही मंत्री हैं। महाराष्ट्र में अभी रास्ते बंद नहीं है, ये भी कहा इन्होंने। महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र के हित में यह अवसर दिया है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को। भारतीय जनता पार्टी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, दो नंबर में शिवसेना है, तो महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का मिलकर सरकार बने। शिवसेना पुराना गठबंधन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये चुनाव में यह गठबंधन नहीं रहा, लेकिन 25 साल की दोस्ती रही है, और इसीलिए फिर सरकार में यदि शरीक होने का अवसर मिलता है तो निश्चित रूप में उसका स्वागत होगा। केंद्र का और आज जो विधानसभा की चुनाव हुआ उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। केंद्र में जब लोकसभा के चुनाव थे हम एनडीए के तौर पर लड़े, एनडीए के तौर पर जीते, एनडीए की सरकार है और इसलिए शिवसेना के एनडीए में मंत्री है।